हेलो, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल धर्मेंद्र स्टडी। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे होम साइंस का NCERT बुक में के प्रश्न पत्र को जो है इस वीडियो में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्व करने वाला हूँ। तो दोस्तों, इस वीडियो में जो है काफ़ी VVAU में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है, आप लोग इस वीडियो को जो है कंटिन्यू देखिएगा। होम साइंस का वीडियो है जो सेट 5 है। दोस्तों, इससे पहले मैं 4 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। अगर आप उस 4 वीडियो को नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैनल का लिंक है, उस पर आप क्लिक करके डायरेक्ट होम पेज पर जाकर आप प्ले लिस्ट में जो है फोल्डर बनाया गया है स्टेप बाय स्टेप, उसमें जो है सभी सब्जेक्ट का जो है आपको मिल जाएगा। तो ये वीडियो को आप लोग कंटिन्यू देखिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हो, अगर आप चाहते हैं बिहार बोर्ड से जुड़ी इन्फॉर्मेशन देखने या जानने के लिए, तो दोस्तों इसी वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उस पर आप क्लिक कर दीजिए। बगल में बेल घंटी आएगा, उसको आप ऑन करके रखिए, कोई भी वीडियो अपलोड करेंगे। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, निम्न में से कौन सही है, निम्न में से कौन सही है वृद्धि। तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, इनमें से सभी जो है सही है। दो नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, भाषा विकास को प्रभावित करने वाला कारक कौन है, भाषा विकास को प्रभावित करने वाला कारक कौन है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है इनमें से सभी हो जाएगा, ए हो जाएगा अभ्यास, ख हो जाएगा परिपक्वता, सी हो जाएगा स्वास्थ्य, डी हो जाएगा इनमें से सभी। इसका करेक्ट आंसर जो है डी हो जाएगा, इनमें से सभी। तीन नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, अपमिश्रण के उदाहरण है, अपमिश्रण के उदाहरण है। तीन नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो है क हो जाएगा, नकली को असली बताकर बेचना, ख हो जाएगा बासी को ताज़ा बताकर बेचना, ग हो जाएगा गलत के लेवल लगाकर बेचना। इसका करेक्ट आंसर जो है घ हो जाएगा, इनमें से सभी जो है अपमिश्रण के उदाहरण है। चार नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, निम्न में से सब्जियाँ का क्या प्रदान नहीं करती है, निम्न में से सब्जियाँ क्या प्रदान नहीं करती है। तो ऊर्जा जो है सब्जियां प्रदान नहीं करती है, इसका करेक्ट आंसर ख हो जाएगा। पांच नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, यहां पर जल के विस्क्रमण के लिए प्रयोग करते हैं, जल के विस्क्रमण के लिए प्रयोग करते हैं। तो पांच नंबर क्वेश्चन का जो है आंसर जो है आपको क्लोरीन जो है जल के विस्क्रमण के लिए प्रयोग करते हैं, इसका करेक्ट आंसर ख बिल्कुल सही है। छः नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, निम्न में से कौन शरीर की आधारशिला कहलाता है, निम्न में से कौन शरीर की आधारशिला कहलाता है। प्रोटीन जो है शरीर की आधारशिला कहलाता है, इसका करेक्ट आंसर ख हो जाएगा। सात नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, गृह विज्ञान का प्रमुख उद्देश्य है, गृह विज्ञान का प्रमुख उद्देश्य है तो पारिवारिक जीवन को उत्तम एवं सुविधापूर्ण बनाना, इसका करेक्ट आंसर ग बिल्कुल सही है। आठ नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, कीड़ों से वस्त्रों को बचाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, कीड़ों से वस्त्रों को बचाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, तो क्या चीज़ का प्रयोग किया जाता है। तो ये हो जाएगा समाचार पत्र की स्याही, बी ख हो जाएगा सूखी नीम की पत्तियां, ग हो जाएगा नेपथलीन की गोली, इसका करेक्ट आंसर घ हो जाएगा। इनमें से सभी से जो है कीड़ों से वस्त्रों को बचाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, ये सभी चीज़ का। नौ नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, साबुन बनाने में प्रयोग किया जाता है, साबुन बनाने में प्रयोग किया जाता है तो किसका प्रयोग किया जाता है, क हो जाएगा वासा, ख हो जाएगा छार, ग हो जाएगा बेसन, इसका करेक्ट आंसर घ हो जाएगा। इनमें से सभी को जो है साबुन बनाने में प्रयोग किया जाता है, इसका करेक्ट आंसर घ बिल्कुल सही है। दस नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, धातु नल साफ करने हेतु प्रयोग आता है, धातु नल साफ करने हेतु प्रयोग आता है तो इसका करेक्ट आंसर नींबू एवं सिरका, नींबू एवं सिरका से जो है धातु का नल साफ करने हेतु प्रयोग आता है, इसका करेक्ट आंसर घ बिल्कुल सही है। ग्यारह नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, किस रोग में ज्वर के साथ साथ जीभ सूखती है और उस पर सफ़ेद पदार्थ जमने लगता है। तो टाइफाइड जो है, टाइफाइड रोग जो है ज्वर के साथ साथ जीभ सूखती है और उस पर सफ़ेद पदार्थ जमने लगता है, इसका करेक्ट आंसर ग बिल्कुल सही है। बारह नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, जन्म के समय बच्चे की औसत लंबाई होती है, जन्म के समय बच्चे की औसत लंबाई होती है तो क्या होता है, है 50 सेमीमीटर, इसका करेक्ट आंसर जो है हो जाएगा 50 सेमी, इसका करेक्ट आंसर ग बिल्कुल सही है। 13 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, किसान विकास पत्र हम कहाँ से खरीदते हैं, किसान विकास पत्र हम कहाँ से खरीदते हैं तो इसका करेक्ट आंसर जो है डाकघर से खरीदते हैं, किसान विकास पत्र जो है हम लोग डाकघर से खरीदते हैं, इसका करेक्ट आंसर ग बिल्कुल सही है। 14 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, प्रोटीन का सर्वोत्तम स्रोत है, प्रोटीन का सर्वोत्तम स्रोत क्या है तो मांस मछली एवं अंडे, इसका करेक्ट आंसर ग बिल्कुल सही है।
15 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, बेरी बेरी किस विटामिन के अभाव में होता है? बेरी बेरी किस विटामिन के अभाव में होता है? तो विटामिन बी के अभाव में जो है, बेरी बेरी जो है विटामिन बी के अभाव में होता है। इसका करेक्ट आंसर जो है ख, बिल्कुल सही है। 16 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, बच्चे की समाजीकरण की प्रक्रिया होती है, बच्चे की समाजीकरण की प्रक्रिया होती है तो क्या होती है? घर होती है। इसका कारण, इसका करेक्ट आंसर ग, बिल्कुल सही। 17 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, असीमित खरीदारी की जा सकती है, असीमित खरीदारी की जा सकती है तो इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर जो है घ, बिल्कुल सही है। 18 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, 18 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, जल की कमी प्रभावित नहीं करती है, जल की कमी प्रभावित नहीं करती है तो क्या नहीं करती है? तो इसका करेक्ट आंसर क हो जाएगा, भूख जो है जल की कमी प्रभावित नहीं करती। इसका करेक्ट आंसर क हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, निम्न में से कौन पौधे का खाने योग्य भाग है, निम्न में से कौन पौधे का खाने योग्य भाग है? तो 19 नंबर क्वेश्चन का क्या करेक्ट आंसर जो हो जाएगा घ हो जाएगा, इनमें से सभी। ये क हो जाएगा बीज, ख हो जाएगा पत्ते, ग हो जाएगा फूल, घ हो जाएगा इनमें से सभी। इसका करेक्ट आंसर घ हो जाएगा, इनमें से सभी जो है पौधे के खाने के योग्य भाग है। 20 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, निम्न में से कौन प्राथमिक रंग है, निम्न में से कौन प्राथमिक रंग है? 20 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो है लाल जो है प्राथमिक रंग है। इसका करेक्ट आंसर क, बिल्कुल सही है। 21 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, निम्न में से कौन प्राकृतिक तंतु नहीं है, निम्न में से कौन प्राकृतिक तंतु नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 21 नंबर क्वेश्चन का, इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर घ, बिल्कुल सही है। 22 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, ORS पेय बनाने के लिए इसे किसे साथ मिलाना चाहिए? तो 22 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर घ, बिल्कुल सही है। 23 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, निम्न में से कौन विशिष्ट बालकों का प्रकार नहीं है, निम्न में से कौन विशिष्ट बालकों का प्रकार नहीं है? तो 23 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर एक क हो जाएगा, आर्थिक क्षमता जो है विशिष्ट बालकों का प्रकार नहीं है। 24 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, एक मार्क किन पदार्थों की गुणवत्ता और शुद्धता तय करता है, एक मार्क किन पदार्थों की गुणवत्ता एवं शुद्धता तय करता है? तो इसका करेक्ट आंसर ग हो जाएगा, कृषि पदार्थ को जो है एक मार्क पदार्थ की गुणवत्ता और शुद्धता तय करता है। 25 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, विकासात्मक मनोविज्ञान लाभदायक है, विकासात्मक मनोविज्ञान लाभदायक है तो बच्चे के लिए विकासात्मक मनोविज्ञान लाभदायक है। इसका करेक्ट आंसर क, बिल्कुल सही। 26 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, ICDS कार्य करती है, ICDS कार्य करती है तो बच्चों एवं महिलाओं के लिए कार्य करती है ICDS। इसका करेक्ट आंसर घ, सही है। 27 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, मानकीकरण चिन्ह दर्शाता है, मानकीकरण चिन्ह दर्शाता है तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वस्तु की गुणवत्ता को जो है मानकीकरण चिन्ह दर्शाता है। इसका करेक्ट आंसर कब, बिल्कुल सही है। 28 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? तो 1987 ईस्वी में पारित हुआ। इसका करेक्ट आंसर बी, बिल्कुल सही है, यानी कि ख, इसका करेक्ट आंसर ख, बिल्कुल सही है। दोस्तों, आप लोग से उम्मीद किए थे कि आर्ट में जितने सब्जेक्ट है सभी का जो है मैं 10 सेट जो है NCERT के बुक से जो है क्वेश्चन पूछा गया है वो सभी 10 सेट का जो है मैं वीडियो अपलोड करूंगा, जिसमें से आप 10 सेट का आप देख लेंगे तो आपको जो है फुल ऑब्जेक्टिव मार्क्स जो है बोर्ड एग्जाम में से जो है आप लोग एकदम सही मार के आ सकते हैं। आप अगर आप पूरा वीडियो को आप लोग देख लेंगे तो ये जो है सेट होम साइंस का 5 है, इससे पहले मैं आर्ट में जितने सब्जेक्ट है सभी सब्जेक्ट का जो है 4 वीडियो कर चुका हूँ। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे तो इसी वीडियो के जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैनल का लिंक है मिल जाएगा, वहाँ पर, वहाँ से आप जाकर प्लेलिस्ट में फोल्डर बनाया गया है सभी सब्जेक्ट है, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हो, अगर आप चाहते हैं बिहार बोर्ड से जुड़ी इन्फॉर्मेशन देखने एवं जाने के लिए 10th प्लस 12th की तैयारी के लिए, तो दोस्तों इसी वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक कर दीजिए। बगल में बेल घंटी आ जाएगा, उसको आप ऑन करके रखिए, कोई भी वीडियो अपलोड करेंगे सबसे पहले आपके पास जाएगा, आप देख सकेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक वंदे मातरम।